उत्तर प्रदेश में आज रहा हाई अलर्ट, कई जिलों में इंटरनेट सेवा बंद। अलीगढ़ मेरठ में इंटरनेट सेवा बहाल की गई। हिंसा के बाद वाराणसी में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम, अब तक किए गए 19 एफआईआर, 100 उग्र प्रदर्शनकारी भेजे गए हैं जेल। मुजफ्फरनगर में आज शांतिपूर्ण रहा जुमे की नमाज, उपद्रवियों को देखते हुए प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट रहा। हाथरस में जुमे की नमाज पर प्रशासन दिखा मुस्तैद, ड्रोन से की गई निगरानी, फ्लैग मार्च भी निकाला गया। लखीमपुर खीरी में एनआरसी और सीए पर फैले भ्रम को दूर करने के लिए डीएम एसपी ने लगाई पाठशाला, मुस्लिम धर्म गुरुओं ने भी शांति बनाए रखने की अपील की। आजमगढ़ में नागरिकता कानून के विरोध में प्रदर्शन को देखते हुए हाई अलर्ट, चप्पे चप्पे पर दिखी पुलिस। नोएडा में कड़ी निगरानी के बीच शांति से हुआ जुमे की नमाज, गुरुवार देर रात से ही अलर्ट पर था प्रशासन। कानपुर में आज जुमे की नमाज पर सुरक्षा कड़ी, शहर काजी ने बवाल करने वाले दोषियों पर कार्रवाई की मांग की। प्रयागराज में लेखपालों का 18वें दिन भी धरना, 8 सूत्रीय मांग को लेकर सरकार के खिलाफ जमकर की नारेबाजी। देवरिया में 444 लेखपालों का सदर तहसील पर धरना, 18 दिनों से 10 सूत्रीय मांगों को लेकर उठा रहे हैं आवाज। फिरोजाबाद में हिंसा करने वाले उपद्रवियों की आगरा में छिपे होने की मिली खबर, चौकी इंचार्ज सुनील तोमर ने उपद्रवियों को पकड़ने के लिए धरा ठेले वाले का वेश। यूपी के बिजनौर में भी आज जुमे की नमाज को देखते हुए भारी सुरक्षा बल तैनात, ड्रोन से हो रही है निगरानी, पुलिस ने लाउडस्पीकर पर की शांति की अपील। अयोध्या की अवध यूनिवर्सिटी में सामने आया बड़ा फर्जीवाड़ा, परीक्षा सेंटर बताता रहा छात्रों को गैर हाजिर, यूनिवर्सिटी ने किया फर्स्ट डिवीजन पास, आरटीआई से खुलासा। वाराणसी में भगवा रंग में रंगे रैन बसेरे, दशाश्वमेध क्षेत्र में बनाए गए रैन बसेरे। हमीरपुर में छात्रा के शव को सड़क पर रखकर लोगों ने लगाया जाम, पुलिस पर रेप के मामले को छिपाने का आरोप। चित्रकूट में हत्या का आरोपी गिरफ्तार, एक दलित बुजुर्ग की पिटाई के बाद 40 दिन बाद हुई थी मौत। बाराबंकी में पानी टंकी पर चढ़कर महिला ने किया हंगामा, इलाज के लिए ससुर ने नहीं दिए पैसे तो भड़की। चंदौली में प्राइवेट एम्बुलेंस में शराब की तस्करी का खुलासा, वाराणसी से बिहार के रोहतास ले जाई जा रही थी शराब की खेप। नोएडा में सड़क किनारे खड़ी कार में अचानक लगी आग, जलकर खाक। बरेली में छेड़खानी का विरोध करने पर लड़की की पिटाई, बदमाशों ने पिटाई के बाद चलती ट्रेन से फेंका। एनआरसी के विरोध में ओवैसी के साथ जीतन राम मांझी करेंगे साझा रैली, 29 दिसंबर को बिहार के किशनगंज में होगी साझा रैली। ओवैसी की रैली में मांझी के जाने से आरजेडी कांग्रेस नाराज, ओवैसी को बताया बीजेपी की बी टीम। मांझी ने महागठबंधन पर ही उठाए सवाल, कहा है महागठबंधन, तेजस्वी यादव को महागठबंधन का नेता मानने से कर दिया इनकार। बिहार के लखीसराय में रैली में विरोध के सुर उठने पर तिलमिलाए नीतीश कुमार, कहा मीडिया में चमकने के लिए फोटो खिंचवा रहे हैं, कोई बचेगा नहीं। रक्सौल में नेपाल सीमा पर अलर्ट, नागरिकता कानून के खिलाफ हिंसक प्रदर्शन के बाद प्रशासन मुस्तैद। नालंदा में दहेज के मामले में महिला की हत्या, मायके वालों ने जमकर किया हंगामा। मुजफ्फरपुर में 5 साल की बच्ची से दुष्कर्म, आरोपी गिरफ्तार। सहरसा में जीआरपी जवान की हत्या, आरोपी पकड़ा गया। दरभंगा में सीसीटीवी में कैद हुई चोरी की तस्वीर, पुलिस ने 3 चोर को पकड़ा। कैमूर में प्याज की लूट, ड्राइवर को बंधक बनाकर 102 बोरी प्याज ले उड़े चोर। रायपुर में आदिवासियों संघ ढोल के थाप पर थिरके राहुल गांधी, सीएम भूपेश बघेल ने बजाया ढोल। ग्वालियर में पुलिस और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच झड़प, ज्योतिरादित्य सिंधिया के स्वागत समारोह में आपे से बाहर। मध्य प्रदेश के सीहोर में पुलिस की मॉक ड्रिल, पुलिसकर्मियों ने प्रदर्शनकारियों से निपटने की तैयारी का लिया जायजा। कमलनाथ सरकार के कृषि मंत्री ने किसानों को दिया भरोसा, सरकार समर्थन मूल्य पर धान खरीदने की कर रही है तैयारी। मंदसौर में ऑपरेशन माफिया के तहत अंतर्राष्ट्रीय तस्कर मोहम्मद शफी तथा उसके भाई पर कसा शिकंजा, तोड़ी गई आलिशान हवेली। ग्वालियर में नागरिकता कानून और एनआरसी के खिलाफ प्रदर्शन, बिना इजाजत प्रदर्शन करने पर 3 गिरफ्तार। भोपाल में 16 दिनों से धरने पर गेस्ट लेक्चरर, कमलनाथ सरकार पर लगाया वादा खिलाफी का आरोप। गुना में राजनीति शास्त्र की परीक्षा में क्रांतिकारी आतंकी वाले सवाल पर बवाल, ग्वालियर की जीवाजी यूनिवर्सिटी का मामला। राजगढ़ में बस में नाबालिग से रेप, हिरासत में लिए गए 3 आरोपी। राजस्थान के माउंट आबू में शीतलहर का कहर, न्यूनतम तापमान -1 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचा। नवजोत सिंह सिद्धू की पाकिस्तान यात्रा को लेकर खड़ा हुआ विवाद, आरटीआई से खुलासा, इमरान के शपथ समारोह में शामिल होने को बताया निजी यात्रा, लेकिन सरकार से लिया पूरा पैसा। पंजाब के फजलका में अवैध टोल प्लाजा का खुलासा, विधायक देवेंद्र गुब्बारा का दावा, करोड़ों रुपए की हो चुकी है ठगी।
गुरदासपुर में पिस्तौल की नोक पर व्यापारी से लूट, 4 लाख लूट कर फरार हुए 4 बदमाश। अंबाला में युवक की पीठ में बदमाशों ने घोंपा चाकू, घायल ने भाग कर बचाई अपनी जान। गुरुग्राम के भोटसे जेल में चरस सप्लायर गिरफ्तार, जेल बार्डन की मदद से पहुंचाया जा रहा था ड्रग्स। दिल्ली में यूपी भवन के बाहर सुरक्षा पुख्ता, 50 प्रदर्शनकारियों को लिया गया हिरासत में। दिल्ली के सीलमपुर में कड़ी सुरक्षा निगरानी के लिए ड्रोन का इस्तेमाल। जामा मस्जिद इलाके में प्रदर्शनकारियों के बीच नजर आई कांग्रेस नेता अलका लांबा, कहा पुलिस की वर्दी में संघ, बीजेपी के लोग कर रहे हैं तोड़फोड़। दिल्ली के जोरबाग में भीम आर्मी का प्रदर्शन, पुलिस ने एक प्रदर्शनकारी को लिया हिरासत में। प्रियंका गांधी का मोदी सरकार पर तंज, ट्वीट के जरिए समझाई क्रोनोलॉजी। मुंबई के आजाद मैदान में आज भी जुटे प्रदर्शनकारी, नागरिकता कानून और एनआरसी के विरोध में लगाए नारे। मुंबई के अगस्त क्रांति मैदान में नागरिकता कानून के पक्ष में निकाली गई रैली, पूर्व सीएम फडणवीस भी हुए शामिल। टीएमसी बैंक घोटाला में मुंबई पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने 5 लोगों के खिलाफ दाखिल की चार्जशीट, 65,000 करोड़ का हुआ है घोटाला। नांदेड़ में विधायक और बीजेपी सांसद के समर्थकों के बीच मारपीट, चुनाव में टिकट को लेकर शुरू हुआ था विवाद। 37 साल के एक्टर कुशल पंजाबी ने की खुदकुशी, मुंबई में घर में पंखे से लटकी मिली लाश। ओडिशा के पूर्व सांसद और कांग्रेस नेता प्रदीप मांझी का वीडियो वायरल, प्रदर्शनकारियों से डीजल पेट्रोल के साथ तैयार रहने को कहा। बीजेपी आईटी सेल के हेड अमित मालवीय ने कांग्रेस नेता प्रदीप मांझी के वायरल वीडियो पर उठाए सवाल, मालवीय के मुताबिक प्रदीप ने कहा था आग लगाने के लिए पेट्रोल डीजल रखो तैयार। राहुल गांधी ने एनपीआर को बताया गरीबों पर टैक्स, बीजेपी का पलटवार, जावड़ेकर ने कहा 2019 के सबसे बड़े झूठे हैं राहुल गांधी। कांग्रेस का केजरीवाल सरकार पर हमला, कहा दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर बना दिल्ली। हिमाचल प्रदेश में बीजेपी सरकार के 2 साल पूरे, शिमला में अमित शाह ने कहा रिपोर्ट कार्ड देने की प्रथा बीजेपी के अलावा दूसरी पार्टी की सरकार में नहीं देखी गई। पाकिस्तान को सीजफायर तोड़ना पड़ा महंगा, भारत ने तबाह की पाकिस्तान सेना की चौकियां, 3-4 रेंजर्स ढेर। पाकिस्तान से सीजफायर उल्लंघन में जबरदस्त इजाफा, इस साल 3200 बार सीजफायर उल्लंघन, अनुच्छेद 370 हटने के बाद 1610 बार तोड़ा सीजफायर। कश्मीर पर बीजेपी नेता राम माधव का दावा, पिछले 5 महीनों में एक भी नागरिक की नहीं गई जान, 99% छात्रों ने बोर्ड की परीक्षा में लिया हिस्सा। केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद लद्दाख के करगिल में मोबाइल इंटरनेट सेवा बहाल, 145 दिन के बाद लोगों को राहत। अनंतनाग में सेना ने मुफ्त मेडिकल कैंप लगाया, बड़ी संख्या में लोगों को मिला फायदा। उत्तराखंड के औली और जोशीमठ में भीषण सर्दी, औली में तापमान -12 डिग्री पर लुढ़का, जोशीमठ में तापमान पहुंचा -4 डिग्री सेल्सियस। बद्रीनाथ में सर्दी का सितम पारा -15 डिग्री सेल्सियस तक गिरा। चूरू में बर्फानी सर्दी, -0.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया तापमान। श्रीनगर में डल झील का जमा पानी, बर्फ जमने से लोगों की बढ़ गई है दिक्कत। दिल्ली में कड़ाके की ठंड, सुबह 5:30 बजे दर्ज किया गया 4.2 डिग्री सेल्सियस तापमान। पंजाब के संगरूर में सर्दी आउट ऑफ कंट्रोल, शीतलहर की वजह से लोगों की बढ़ी है मुश्किलें। अमृतसर में ठंड का प्रकोप जारी, एसजीपीसी ने श्रद्धालुओं के लिए खास इंतजाम किए। हिसार में कपकपाती ठंड ने लोगों की बढ़ाई है मुश्किलें, न्यूनतम तापमान 3 डिग्री सेल्सियस पहुंचा। फतेहपुर शेखावटी में दूसरे दिन भी पारा -3 डिग्री सेल्सियस पहुंचा, खेत नलों का पानी जम गया है। एमपी के श्योपुर में ठंड ने तोड़ा 20 साल का रिकॉर्ड, न्यूनतम तापमान 3 डिग्री सेल्सियस। झारखंड में 29 दिसंबर को हेमंत सोरेन का शपथ ग्रहण, 6 राज्यों के मुख्यमंत्री होंगे शामिल। हेमंत सोरेन ने दोस्तों और समर्थकों से की अपील, कहा आप मुझे अपनी पसंद की किताब दें, फूलों का गुलदस्ता ना दें। झारखंड के पलामू में नक्सलियों ने रोका सड़क निर्माण, हाईवे जलाया। लातेहार के 4 स्कूलों में मिड डे मील घोटाला, 50,000 का बजट लेकिन 10-10 लाख रुपए की हुई है निकासी। कोडरमा में एक महिला ने अपने 2 बच्चों के साथ ट्रेन के आगे छलांग लगाकर खुदकुशी की, शिनाख्त करने में जुटी हुई है पुलिस। अजमेर में नागरिकता कानून और एनआरसी के खिलाफ प्रदर्शन, अजमेर दरगाह के दीवान के खिलाफ दिखाए काले झंडे और जलाए गए पुतले। बीकानेर में पाकिस्तान लिखा एक गुब्बारा मिलने पर हड़कंप, लोगों ने पुलिस को दी जानकारी। अलवर में सर्दी से एक महिला की मौत, रेलवे स्टेशन के बाहर मिला शव। दौसा में बोरवेल में गिरी लड़की, रेस्क्यू के लिए खुदाई का काम जारी। अलवर में एक कांस्टेबल के निधन होने पर मदद को सामने आए पुलिस वाले, एक दिन का वेतन मृतक के परिजनों को दिया।
कोलकाता में कांग्रेस और लेफ्ट की साझा रैली, नागरिकता कानून और एनआरसी को लेकर सड़क पर उतरे नेता। कोलकाता के राजरहाट में टीएमसी की महिला कार्यकर्ता का मार्च, नागरिकता कानून एनआरसी को लेकर आवाज की बुलंद। बर्दवान में बीजेपी कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन, टीएमसी के हमले और पुलिसिया लाठीचार्ज के खिलाफ निकाला गुस्सा। हावड़ा में एसबीआई के एटीएम तोड़कर 21 लाख की लूट, वारदात के बाद फरार हुए लुटेरे। असम के चिरांग में रिव फेस्टिवल का आयोजन, देश विदेश के फिल्मी सितारे करेंगे शिरकत। आंध्र प्रदेश में किसानों के विरोध के बाद बैकफुट पर वाईएस जगनमोहन रेड्डी सरकार, 3 जनवरी तक 3 राजधानी बनाने के फैसले को टाल दिया। नागरिकता कानून के खिलाफ हैदराबाद में प्रदर्शन, मक्का मस्जिद के बाहर नमाज के बाद लगाए गए नारे। विजयवाड़ा में भी नागरिकता कानून के खिलाफ प्रदर्शन, बड़ी संख्या में जुटे प्रदर्शनकारी। कोयम्बटूर में रेप और हत्या के मामले में एक युवक दोषी, 7 साल की मासूम की रेप के बाद की थी हत्या। तिरुपति के जूलॉजिकल पार्क में बाघ के 5 सफेद शावकों से रौनक, बड़ी तादाद में देखने पहुंच रहे हैं पर्यटक।